सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फेट प्रेस आइन टू गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स मैं आज बोलगढ़ी में हूँ जो हाथरस का जगह है जो आजकल मीडिया और सरकार का केंद्र बना हुआ है सबने खबर तो दिखाया लड़की के घर का मगर मैं ये लड़कों का लड़का जो थे सब ये घर है इनका और मैं इनके परिवार से ही लड़कों के परिवार से बात करूँगा भैया आखिर ये बताइए इतना बड़ा जो मामला है ये क्या है ये सब फर्जी है साहब सब राजनीतिक दबाव में आए काम है रो यहाँ कोई ऐसी कोई घटना नहीं हुई चौदह तारीख को जो कि घटना बताई जा रही है यहाँ कोई ऐसी घटना नहीं ना कोई शोर हुआ लवकुश नाम का जो आरोपी जेल में भेजा भेज दिया गया है उसकी माँ और वो उसके उनका बेटा लवकुश वहाँ मौजूद थे और जो संदीप नाम का लड़का था उस लड़की ने एक बताया था कि संदीप ने, ने गला दबा दिया है संदीप ने गला दबा दिया है वहाँ थाने में भी ले गए उसको वहाँ भी उन कोतवाल साहब इंस्पेक्टर हैं जो उन्होंने बयान लिए हैं क्या हुआ था कि संदीप ने मेरे हाथन पे गला दबा दो और उसकी माँ ने भी बयान दिया है लव कुछ वहाँ मौजूद था उसकी माँ मौजूद थी वो चारा काट रही थी वो बता रहे हैं यहाँ कोई शोर नहीं हुआ और बता रहे हैं कि ये लड़की परेशान थी और उसकी माँ चारा काट रही थी जब लड़की ने कहा कि पानी पिला दो लब कुछ पानी लेके गया है उसकी माँ को दिया है पानी पानी पिलाया है उसे और जो रवि और रामू रामू चिलर पे था उस दिन जिस दिन घटना हुई थी ड्यूटी कर रहा था और रवि यहाँ अपने चारों को खान, मतलब नार खबार रो या। मगर भैया मैंने एक आज देखा वायरल आया वीडियो लड़की का गला घोटा हुआ है उसने बोली है थाने के पास नीचे और बहुत सारे रिपोर्टर पूछे हैं तो बोली है लड़कों का नाम बोली है कि ये लड़के थे और ये सब मारे थे कि ये कितना सही है ये गलत है पहली तहरीर में एक लड़के का नाम था उसके करीबन चौदह तारीख को जो घटना हुई है उसके करीबन आठ दिन बाद लड़की ने बाईस तारीख को बयान दिए थे और उन्नीस तारीख को मंजू दिलेर जो कि सांसद हैं यहाँ के राजवी दिलेर उनके परिवार से हैं उन्होंने बाईपोस्ट की थी कि मेरे परिजनों से कल बात हुई है उन्होंने तीन नाम और बताए रवि लवकुश और रामू महाराज सफदरजंग का एक जो हॉस्पिटल में थी वहाँ से भी रिपोर्ट आया है कि उसके साथ छेड़छाड़ हुआ है तो इसमें क्या सच्चाई आप यहाँ कोई ऐसी छेड़छाड़ नहीं ना कोई मारपीट हुई यहाँ कोई ऐसी घटना नहीं हुई है तो क्या नहीं अभी भी आप लोग दलित लोगों से दूरी बना कर रखते हैं ना है कोई दूरी ना मंदिर ये कहीं है अगर दलित आपको खाने पे बुलाए तो आप लोग जा सकते हैं नहीं हम नहीं जाते है, ऐसा है हम उन हमारे काम वाले हैं वो हम उनको खिलाते हैं हमारे जो भी प्रोग्राम होता है हम उनको बैठा लेके खिलाते हैं मगर अभी तो जो मरी है लड़की उसने बयान भी दिया है कि ये चारों लड़कों का नाम था गले में हमारे दुपट्टा लपेटा मारा आज मैंने देखा है मीडिया में बहुत चल रहा है मगर इसमें क्या लड़की मरते मरते क्यों ऐसा बोल रही है भैया वहां बयान बदलवाए गए राजनीति प्रेशर पाए गए अच्छा। संजय सिंह जो आए थे आम आदमी पार्टी का क्या मिले आपसे नहीं हमारे पास कोई नहीं नेता आता सब पीड़िता परिवार के पास जाते हैं सब ये तो भैया वोट बैंक के चक्कर में आ रहे हैं और योगी सरकार बीजेपी को खाम खा बदनाम करने के लिए आ रहे हैं जबकि बीजेपी सही काम कर रही है हम तो ये भी चाह रहे हैं के एस आई जाँच हो नार हो जो पॉलीग्राफ बता रहे हैं वो भी सब कुछ चेक हो सही सी बी आई जाँच हो हम तो ये भी कह रहे हैं और दोषी है उसे सजा में ले निर्दोष को बाहर निकाले तो यहाँ का जो एम पी वो शायद आपको सपोर्ट कर रहे हैं कोई एम पी सपोर्ट नहीं कर रहा भैया पीड़ित परिवार के पास जाते हैं सारे जो एम पी हैं सदस्य जो भी हैं सही बात कही आ आपका नाम सुंदरपाल नाम है और ये लड़कों का आप क्या लगते हैं मेरा एक सगा भाई है सबसे बड़ा है और एक चाचा जी का लड़का है एक वो संदीप नाम का है वो मेरा भतीजा ताऊजी जी का नाती ये क्या सब शादी हैं दो शादी हैं एक पे तीन बच्चे हैं एक पे दो बच्चे हैं और वो उन्नीस साल का वो पढ़ रहा है अच्छा तो आप देख सकते हैं मैं लड़के का घर पे आया हूँ और उनके सगे भाई से भी मैंने आज इंटरव्यू कर लिया और ये कह रहे हैं कि आरोप सब गलत है और कितना सच्चाई है अब तो जांच के बाद ही पता चलेगा मदन लाल मौजो के लिए